तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आपको कौन सी कौन सी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए आपको एक बिगिनर जैसा म्यूजिक साउंड ना करने के लिए उसमें मैंने एक बात बोली थी कि आपको कि लिमिटेशन कैसे क्रिएट करी जाती है इंस्ट्रूमेंट की अगर आपको ये जानना है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ तो आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं तो देआर फुल लेटस ले टॉक अबाउट कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन कैसे करी जाती है। so Now, की समझना पड़ेगा कि कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या होते हैं उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे दो कैटेगरी मैं बनाना पसंद करूंगा जो एक लेगाटो बेस्ड कैटेगरी एंड दूसरा नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेगाटो सॉरी आई थॉट मैं क्लास ले रहा हूं मैं एनी वेज लेगाटोस्टिकटो क्या होता है मैं बताता हूँ लेगाटो मतलब ऐसे समझो कि जो चीज़ें लग लग के चलते हैं एक दूसरे के साथ ही थोड़ा अजीब तरीके से समझा रहा हूँ बट आई थिंक इट विल बी ईजियर फॉर यू जो चीज थोड़े से लग लग के चलते हैं है ना मतलब कि एक दूसरे से टच टच करके चलती यानी कि मान लो पैड साउंड ठीक है पैड हो गया फिर जनरली uh, स्ट्रिंग्स की जो साउंड होती है है ना ये सारी चीज़ें थोड़े क्या होती है कि थोड़े लेगाटो टाइप के होते हैं इनमें जनरली आपको मिलेंगे जो थोड़े वॉर्म टोन मिलती है आपको

प्रेस करती थी। कहते है अटैक बहुत फास्ट है अटैक स्लो मतलब जैसे पैड साउंड या स्लो स्ट्रिंग्स जो थोड़ा धीरे धीरे साउंड चढ़ता है इमीडिएट नहीं है ठीक है उसके बाद है डीके डीके मतलब बेसिकली क्या है कि वो अटैक जो तुमने किया यानी कि साउंड जो तुमने मारा फिर वो साउंड बेसिकली किस वॉल्यूम में कंटिन्यू करेगा ट मतलब थोड़ा गिर जा रहा है वॉल्यूम फिर रह जा रहा है तो कब तक रहेगा दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड सस्टेन एंड रिलीज मतलब आपने जब की से उंगली हटा ली तो साउंड कितनी जल्दी गिरेगा या फिर आराम से गिरेगा तो एक फास्ट अटैक मतलब कुछ ऐसा हुआ ठीक है मान लो फिर डी के सस्टेन मान लो उसी लेवल पर हो रहा है एंड फिर लेट से रिलीज इमीडिएट रिलीज हो गया तो ये अटैक है डी के सस्टेन यहाँ पे हुआ रिलीज अगर मान लो कोई सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसका अटैक थोड़ा स्लो है ठीक है फिर मान लो थोड़ा कम होकर फिर यहाँ सस्टेन कर रहा है फिर छोड़ने के बाद भी ऐसे गिरता है तो ऐसे ऐसे कर्व्स सब तो देखने को मिलेंगे बट इसके अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं घुसा क्योंकि दिस अगर आप सिंथेसिस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ एंड वेल बट सर का आइडिया है उसी को लग के आपका आप डिवाइड कर सकते हैं स्टिकेट एलिमेंट मतलब क्या होता है जो थोड़ा सा ऐसे लग 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 के नहीं बचते थोड़ा क्विक क्विक उसको चेंज कर सकते हो आप एक चीज समझ रहे हो एक पैड साउंड को आप टै चेंज नहीं करा पाएंगे राइट तो उसमें आप डिवाइड कीजिए टो में भी आपका स्टिकेटो स्ट्रिंग्स आ सकते हैं स्टिकेटो नेचर के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं परकसिव नेचर के इंस्ट्रूमेंट मतलब बेसिकली हो गया आपका मान लो पियानो हो गया ठीक है गिटार हो गया ये मत समझना कि परकसिव इंस्ट्रूमेंट मतलब तबला ढोलक वो नहीं है गिटार हो गया ठीक है ये सब आ, ये सार इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके स्टिकेटो के अंदर आता है तो एक स्टिकेटो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक लेगाटो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इन दोनों को लेकर के बेसिकली आपका क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स का पैलेट बनता है यू मेक एन इंस्ट्रूमेंट पैलेट आप इस तरीके से आपका सजा सकते हो ये जो लिमिटेशन क्रिएट करी जाने की मैं बात कर रहा हूं उसके बाद इतना करो कि आप बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट पैलेट पर चीजें सजाना चालू करो मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं एक स्ट्रिंग्स का सेक्शन लूंगा ठीक है आपने डिसाइड किया कि मैं लेट से एक फॉर एग्जाम्पल गिटार का सेक्शन लूंगा मे बी चलो लेट से पियानो का सेक्शन लूंगा मे बी और फिर लेट आपने डिसाइड किया कि आप एक ड्राम्स एंड बेस का सेक्शन लेंगे ठीक है तो ड्राम्स का एक आ गया बेस का एक आ गया लेटेस्ट है ये प्रिपरिटी मच एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट सेट है ऑब्वियसली आप और चीज़ें लगा सकते हो मैं एक बेसिक सेटअप को बता रहा हूं तो स्ट्रिंग्स के अंदर भी आप लेगाटो एंड स्टेकेटो में डिवाइड करो ठीक है लेगाटो स्ट्रिंग्स स्टिकेटो स्ट्रिंग्स सिमिलरली अब वही चीज़ अब गिटार की गिटार में तो अभी लेगाटो हो नहीं सकता मतलब हालांकि आप ट्यून बजा सकते हो बट स्टिल काइंड kind ऑफ of एक परकसिव एलिमेंट है तो मतलब स्टिकट और तो नेचर उसमें ज़्यादा होगा तो समझ लो आप उसको ऐसे करो कि एक कॉर्ड गिटार आप कर दो जिसमें आप थोड़ा सा ऐसे पैटर्न्स प्ले कर रहे हो एक आपलेट से फॉर एग्जांपल उसमें आपने सोलो या फिर ट्यून बजाने के लिए आपने गिटार कुछ कर दिया तो उसको सोलो कर दो ठीक है तो ये लगभग आपका स्टिकेटो फॉर्मेट हो गया लगभग आपका लेगेटो फॉर्मेट हो गया सेम चीज आप पियानो के अंदर भी कर सकते हो तो ड्रामन बेस की जहां तक बातें भाई ये तो आपके प्रकशंस है तो इसमें उतना मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं बट बेस में भी जनरली हां आप डिवाइड कर सकते हो जैसे कि बेस में मैंने जनरली मैं जो करता हूँ आई विल टेक अ टू बेसिस बेसिकली एक मैं रहता हूँ सब बेस अब डिपेंड कर हर गाने में सब बेस नहीं चलता अगर चल रहा है तो सब बेस और फिर आपका आता है एक नॉर्मल बेस अभी इस सेक्शन को थोड़ा फैला के डिस्कस करना जरूरी है बेसिकली क्या होता है आपके जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है लेट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी के 20 का आपका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है तो उसमें आपका जो किक ड्रम है वो जनरली फिफ्टी सिक्सटी के आसपास रहता है मैं सिक्सटी मान के चल रहा हूँ यहाँ पर लेट्स आपका किक ड्रम आता है तो आपका कीक एंड बेस लोग कहते हैं ना आपको सजाना पड़ता है तो बस उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तो आपका सब बेस जो है उसके नीचे होता है एंड आपका बेस जो है उसके ऊपर होता है मतलब अगर आप सब्बिस बेस का पेयर यूज़ कर रहे हो तो ऐसे आपको सजाना पड़ेगा किक उसके नीचे सब्बिस उसके ऊपर बेस तो उस तरीके से उसको सजाएंगे तो यू गेट टिपिकली अ बेटर रिजल्ट ठीक है तो इसका मतलब सब्बेस का आपका अभी अभी इसके बाद क्या दिमाग में आ रहा है सोचो सब बेस ऑब्वियसली आपका सस्टेन होना पड़ेगा यू नीड टू हैव सस्टेन्ड सबेस ओके तो बेस आपका कैसा होना पड़ेगा बेस आपका थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड हो सकता है तो अगर सब बेस भी सस्टेंड है बेस भी सस्टेंड है देन इट विल साउंड लिटिल वी तो इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट पैलेट डिजाइन कर सकते हो कि आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे उसको आप कैसे सजाएंगे एट्सट्रा मान लो फॉर एक्जाम्पल अगर आप वुड विंड्स लेने की कोशिश करते हो यानी कि फ्लूट वगैरह तो उसको भी आप यहाँ पे ग्रुप बनाओ और हाँ एक चीज़ याद रखना इस चीज़ को आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा आपकी इसमें ठीक है मान लो मेरे पास एक ड्रम्स करके एक ग्रुप आया तो उसके अंदर मेरा किक स्नैर हाई हेट्स एट्सेट्रा जितने 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 सारी चीज़ें आई फिलेट से एक मेरा ग्रुप आया फॉर एग्जाम्पल बेस का ठीक है तो उसमें आपका दो टाइप का बेस हो गया ना एक सब बेस एक लेट से रेगुलर बेस फिलेट से आपका एक ग्रुप आया मतलब इस तरीके से आपको सेशन बनाना है आपका डी डब्ल्यू में मैं डी डब्ल्यू स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ ये तो मैं उतने अंदर नहीं जाऊंगा बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडिया आपके डॉ में जैसे होता आप वैसे कीजिए फिलेट सब अपने स्ट्रिंग्स लिया तो वन सेकंड उस तरीके से कीजिए ठीक है इस तरीके से आपका सारा क्या होगा ग्रुपिंग वुपिंग जाएगी तो इसका मतलब समझ रहे हो द मोमेंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ डॉ लाइक दिस इवन बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग एनी म्यूजिक एट ऑल यू आर ऑलरे रेडी रेडी टू टेक यूर डॉ टू द नेक्स्ट लेवल जहाँ पर आप इसकी मिक्सिंग कर सको क्योंकि यही चीज़ आपका फिर बाद में क्या होगा बस में कन्वर्ट हो जाएगी ये एक बस है इसका एक बस है इसका एक बस है फिर उन सारे बसेज के साथ आप लेट से मतलब यू कैन देन क्रिएट अदर बसेज फॉर द इफेक्ट्स इन साइड चैन दम एंड दर इज अवज ह्यूज ह्यूज हूज सेट ऑफ थिंग्स दट यू कैन डू जस्ट विद दिस स्ट्रक्चर दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर सेल्फ जस्ट यू क्रिएटिंग दिस लिटिल बिट ऑफ लिमिटेशन फॉर योर सेल्फ विद योर टोल्ड यू तो मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि आप सबसे पहले जाकर डिफरेंस समझना चालू करो इसको समझाने के लिए मैंने आपको यह भी बोला कि अगर सिंथेस के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई किस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट पैलेट तैयार करना है जहाँ पे आपको स्ट्रिंग्स गिटार पियानो ड्रामा एंड बेस ये सब लेकर मैंने एग्जाम्पल दिया ऑब्वियसली यू कैन डिसाइड ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज पर योर सॉन्ग नीड्स बट इससे क्या होगा कि आपका एकदम बिगिनर की तरह बैठे बैठे हर एक प्रीसेट ट्राई करना ये करना वो निकल जाएगा क्योंकि आपके दिमाग में वो छवि बैठ जाएगी कि आप क्या करना क्या चाहते हो हाँ देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर और मैंशन कर देता हूँ मैं कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीसेट लेकर ट्राई करना कोई गलत चीज़ होती है ठीक है ऐसे मत समझना इस बात को यू कैन ऑब्वियसली ट्राई विथ यी प्रीसेट बट यू शुड ऑलवेज अवेयर ऑफ कि व्हाट यू आर डूइंग एंड देयर शुड अ पर्पस फॉर इट इट इज नॉट लाइक सिंपली एक्सपेरिमेंट करते 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 आप सौ गाने बना देंगे ऐसा नहीं होता है अगर आप ऐसा करेंगे तो उन सौ में से नाइन्टी नाइन गाने सुनने लायक नहीं बनेंगे <laughs> अच्छा उसके बाद तो फाइनली मैंने आपको बोला कि किस तरीके से एडिशनल चीज़ मैंने आपको बताई किस तरीके से आप जब इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको किक बेस एंड सब बेस को बिठाना है ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बहुत अच्छा इक्यू आता है जिसका नाम है फैफ फिल्टर प्रोक्यू आपने ऑब्वियसली सुना है आपने से बहुत लोगों के पास ये हो भी सकता है that's a fantastic one, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हो आप जब इसको प्लेसमेंट ऐसे सेट कर रहे हो यू कैन रियली रियली डू इट इन द परफेक्ट विथ प्रोक्यू थ्री क्योंकि उसके अंदर आपको पियानो कीज भी नीचे दिखते हैं तो इट बिकम्स अर इट बिट मोर इजर इनफैक्ट यू कैन टून द थिंग एक्जैक्टली एज पर योर गाने का लोग कहते हैं ना भाई किक ड्रम को ट्यून करो गाने के सुर के हिसाब से दैट अभी करना पाए एनी वेज व ग गोइंग इन टू अडरेंट डिस्कशन ओवर हियर आई विल मीट यू इन फर्दर वीडियोज बट एज ऑफ नाउ दिस इज वी हैड गॉट टू डिस्कस थैंक यू सो मच फर्स्ट टेकिंग टिल दिस पॉइंट टेक केयर